विदेशों में जाने का रुझान है, अपने पेरेंट्स के प्रति जो आदर सत्कार प्रेम है वो कम होता जा रहा है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है गीता निकेतन स्कूल नगूरा में, जो कि जींद जिले का स्कूल है। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम क्या था? जो हमारा सनातन धर्म है, जो कि बच्चे सनातन धर्म की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो उसी संस्कृति को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इस सनातन धर्म को लेकर बच्चों को संस्कृति सिखाने के लिए हमारे बीच मौजूद है कैथल से। नमस्कार सर जी। क्या नाम है सर जी? दर्शन जी। तो सर आज यहाँ पर आप पहुँचे हो नगूरा गांव में, तो बच्चों को क्या सिखाया गया है? बच्चों को इसलिए आए हम कि जो बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, 14 फरवरी को जहाँ विदेशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वही गंदगी हमारे देश में ना आए। विदेशों के विद्यार्थी अपने चरित्र से बिल्कुल पतन हो गया है, तो वही गंदगी हमारे भारत देश में आ रही थी। तो संतों की प्रेरणा से ये 14 फरवरी को हम पूरे देश के अंदर ये प्रचार कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर सत्कार स्वरूप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, ताकि हमारे माता पिता को और गुरुजनों को आध्यात्मिक जो उनको सम्मान जो उनका हक उनको मिले, और बच्चों के अंदर भी भारतीय संस्कृति संसार बढ़े, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया। नमस्कार सर। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा चला, और इसमें जो है जो माता पिता के संस्कार के बारे में बताया गया है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे भी जो है इस पे अनुसरण करें, और ये बहुत ही आगे अच्छा चलता रहेगा। हमेशा ही हम करेंगे कि हर साल जो है इस दिवस को मनाया जाए। तो मैम पहले भी स्कूल में मनाया गया इस प्रकार का? नहीं मैम, पहली बार मनाया है ये चीज़। तो और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने बताया है बच्चे उस चीज़ पर अमल भी करें, और वही काम दिल से भी करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे बच्चे संस्कारी हैं। पढ़ाई हो, खेल कूद हो, या फिर संस्कार हो, दिल से अपनाएं। हम यही दुआ करते हैं भगवान से कि हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करें। मैम आपका नाम? सीमा जी। तो यहाँ पर टीचर हो आप? जी। तो बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? नगीन राम। तो सर टीचर हैं, अभी भी टीचर हैं, पहले भी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उम्र का भी एक्सपीरियंस। तो सर आप क्या कहना चाहोगे हमारी सनातन संस्कृति को लेकर? देखो जी, आज का जो युग है थोड़ा अपने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और विदेशों में जाने का रुझान है, अपने पेरेंट्स के प्रति जो आदर सत्कार प्रेम है वो कम होता जा रहा है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और आज की जो पीढ़ी है उसमें एक जागृति आए अपने पेरेंट्स के प्रति, जो उनको स्नेह करने की, उनका सम्मान करने की आदत हो, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम सर। आज यहाँ पर आए बच्चों ने मतलब आदर सम्मान किया, पूजन किया, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। तो सर क्या कहना चाहोगे? तो बहुत बढ़िया, इसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे जी। हमारी संस्कृति को जो ये वैलेंटाइन डे, इसके बजाय माता पिता की सेवा करेंगे, जो भावना होगी, संस्कार होगी। देखो सर, जिस दिन बच्चों में ये भावना आ जाएगी उस दिन मेरे ख्याल से हमारे जो भारत में जो वृद्ध आश्रम है वे खत्म हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल होगी, माता पिता की सेवा की भावना होगी तो खत्म होगी अपना। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? प्रेम है जी मेरा। तो क्या कहना चाहोगे सर? कहना क्या जी, हम बच्चों का बड़ा भविष्य बनेगा, अरे ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अरे ये चलते रहो, आज साल तो चला जाए एक बार। तो देखिए हमारे साथ माता पिता भी मौजूद थे, और जो स्कूल से टीचर हैं वे भी हमारे मौजूद थे यहाँ पर, और जो आज सनातन संस्कृति को लेकर यहाँ पर बच्चों के बीच मौजूद हुए थे तो वो भी हमारे साथ थे। तो आपको सनातन संस्कृति के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे लोग 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पुलवामा अटैक हुआ था वो 14 तारीख को ही हुआ था, तो उस दिन को ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने बच्चों को सनातन संस्कृति को लेकर क्या सिखाते हो, क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। उस वर्ष तस्य वै पृथ्वी जन्य फलं भवति निश्चितम्। पुष्प वर्ष। अब फूलों की जो आपके पास पहना दे। सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि। Jartham
प्रतिगृह्यता। अब माता पिता की आरती करेंगे, अपना दीपक जलाएंगे या तो माता पिता से जला लेंगे। भगवान की आरती की है आज हमारे जागृत के देव, हमारे माता पिता, हमारे भगवान। पूजन परिक्रमा करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं, बढ़िया से वीडियो शूट करेंगे। बच्चे नीचे बैठे रहे, नीचे बैठ जाएं, एक बढ़िया सा वीडियो शूट ले लेंगे। इसके प्रचार कर रहे हैं, बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मेरी माता पिता से प्रार्थना, वो भी अपने स्थान पर खड़े हैं और आशीर्वाद स्वरूप अपने गले की फूल माला ऐसे भावना करते हैं कि अपने जीवन की सारी खुशियां हम बच्चों को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव करते हैं, अपने बच्चों के गलों में फूलों का हार दे पहना दें और बच्चे हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करेंगे। तो सामने बैठे शाबाश, दोनों हाथ जोड़ करके एक बढ़िया सा शॉट लेंगे, एक भजन है, उस भजन के साथ साथ हम इस कार्यक्रम की पूर्णावती करते हैं।